I'm going to start with industrialization. Now listen carefully. Dawn of century, E.T. Paul. Aladdin represented West, sorry, East and past. Modern mechanic represented West and modernity. Next, why merchants move towards countryside? First is, agar main bolu ke merchants, aap keh sakte ho, they had their houses in countryside. Second, their family members lived in countryside. Trade guilds were powerful in towns, which is the correct option. क्योंकि ट्रेड गिल्ड्स टाउन्स में पावरफुल थी तो उन्होंने मर्चेंट्स को टाउन्स में रहने ही नहीं दिया. दैट्स व्हाई मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्रीसाइड. हम खुद ही कहते हैं मर्चेंट्स लिव्ड इन टाउन्स. और यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ मर्चेंट्स के घर ही कंट्रीसाइड थे इसलिए वो कंट्रीसाइड चले गए. नो, दे लिव्ड इन टाउन्स बट मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्रीसाइड बिकॉज इन टाउन्स देयर वर ट्रेड गिल्ड्स एंड ट्रेड गिल्ड्स डिड नॉट अलाउ मर्चेंट्स टू ट्रेड इन टाउन्स. इसलिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? कंट्रीसाइड. अब इसी को मैं रीजन असर्शन में चेंज करती हूँ. लिसन केयरफुली. मर्चेंट्स मूव्ड टुवर्ड्स कंट्रीसाइड. इन टाउन ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल. बताओ. ए, वेरी गुड. हु हैज गिवन आंसर? असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्योंकि इसलिए वो टाउन्स में गए. अब मैं कहती हूँ मर्चेंट्स मूव टुवर्ड्स कंट्रीसाइड बिकॉज they lived in countryside, their houses were in countryside. Kuch bhi ho, batao. Assertion is true, reason is false. Ab aise samajh aayi? Aise hai, dhyan se karna hai sara. Reason maine bola hi false hai fir. To iske baad first mill, first cotton mill set up in England and it was set up by Richard Arkwright. Name the person who set up the first cotton mill in England. Richard Arkwright. अब मैं यहाँ पे assertion reason में से convert करूँ. First mill was set up in England in 1730. फिर अब मैं बोलूँ, now there was no need to merchants to move from one place to another. A, because both are correct and reason is the correct explanation of assertion. क्योंकि मैंने बोला कि mill set up हो चुकी थी, अब merchants एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे. समझ आ गई? अब मैं बोलूँ first mill was set up in England by Richard Arkwright. अब मैं second बोलूं कि जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं demand of raw cotton in Britain increased. बताओ दोनों मैंने true बोले? With the coming of industrialization, demand of raw cotton in Britain increased. Both are true. Both are true ना? क्या reason explanation का assertion की explanation बन रही है? No. अब ये समझ आ रही है ना कि इस वे से सोचना है. अगर लेसन पढ़ा तो यू कैन डू. नेक्स्ट, रिचर्ड ऑकराइट सेट अप फर्स्ट मिल इन इंग्लैंड. अब इसके बाद आप आ जाओ, जेम्स हारग्रेव्स डिवाइस्ड द स्पिनिंग जेनी इन 1764. हु डिवाइस्ड द स्पिनिंग जेनी? जेम्स हारग्रेव्स. अब इसको मैं कन्वर्ट करूं असर्शन रीजन में. जेम्स हारग्रेव्स डिवाइस्ड स्पिनिंग जेनी. Women workers became unemployed. A, very good. A, because with the coming of spinning jenny, women workers lost their jobs. So both are true. And reason is the correct explanation of assertion. इसी को मैं ऐसे बोलू, James Hargreaves devised the spinning jenny. अब मैं साथ में बोलू के वर्कर्स वर होस्टाइल टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी. तब भी करेक्ट है, तब भी करेक्ट है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से ही तो नाराज थे वो. मे बी वुमेन वर्कर्स हैं तो वो वर्कर्स है ना, तब भी यही आंसर है. ठीक है, ये नहीं सोचना कि यहाँ पे वर्कर्स आ गया वुमेन की जगह तो वर्कर्स, वुमेन भी तो वर्कर्स ही थी. यहाँ पे अब मैं बोलू जेम्स हारग्रेव्स डिवाइस द फर्स्ट स्पिनिंग जेनी. फिर साथ में मैं बोलू देयर वर 321 स्टीम इंजन्स इन इंग्लैंड. Both are true. क्या रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं. तो ये चीजें सोच के काम करना है आपने वहां पे. अब इसके बाद आपका आ जाता है जेम्स हारग्रेव्स डिवाइस द फर्स्ट डिवाइस द स्पिनिंग जेनी. फिर हम कहते हैं देयर वर 321 स्टीम इंजन्स इन इंग्लैंड.
पता है ना हाउ मेनी स्टीम इंजन्स वर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी वर्कड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 80 80 अगर मैं पूछू वूल इंडस्ट्री तो 9 9. Who said demand of Indian cotton textile would never go down because of its finer variety? Who said? James Watt, Richard Arkwright, Henry Petullo. Henry Petullo, in which year? 1772. Henry Petullo said demand of Indian cotton textile would never go down because of its finer variety, and he said this in 1772. तो अब मैं पूछूं आपसे उनकी कंपनी की आपसे पूछा जाए मैनेजिंग एजेंसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो फर्स्ट है बर्ड एंड हेगलर, फिर है जॉर्डन स्किनर, एंड्रयू यूले. यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज. इन एजेंसीज के आपको नेम लर्न करने हैं. फर्स्ट इज एंड कोई भी फर्स्ट आप बोल सकते हो, एंड्रयू यूले, जॉर्डन स्किनर, बर्ड हेगलर. लर्न द नेम ऑफ दीज यूरोपियन एजेंसीज. ठीक है. हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? जमशेद जी मुसरवंजी टाटा. हु सेट अप फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया? सेठ हुकम चंद. हु सेट अप फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया? सेठ हुकम चंद. Why how producers expanded their markets? How producers expanded their markets? उन्होंने क्या सेल लगाई, डिस्प्ले की अपनी गुड्स, या फिर हम कहेंगे by giving advertisements of their products? By giving advertisements of their products. Why rich people? हम अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि why producers preferred workers? Then machines. Why producers preferred workers than machines? Now listen carefully. First is workers were lazy. Phir there were no workers. Workers were not available. Ya workers were lazy. Workers demanded higher wages. Phir fourth option is demand of handmade goods was more. Demand of handmade goods was more. अब मैं इसको assertion reason में convert करती हूँ. Workers, producers preferred workers than machines. फिर मैं साथ में नीचे लिख रही हूँ, demand of handmade goods was more. A option. अब मैं कह रही हूँ, producers preferred workers than machines. Rich people in England preferred handmade goods. A option. फिर मैं बोल रही हूँ, producers preferred workers than machines because workers were ready to work at low wages whereas machines were expensive. A option. Both. तो आपको ये अगर पढ़े होंगे, you can do. आपका गलत कभी भी नहीं होएगा. Next इसमें से अब मैं बोलूं कि इसी इसमें से और कौन से questions बन सकते हैं देख लो आप. Industrialization में अगर आपको proto industrialization पढ़ा हुआ है, period before the coming of industrialization, तो उसमें से statements बन सकती हैं. ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आ जाता है आपका ये वाले सारे जो भी मैंने बोले हैं, जेम्स हारग्रेव्स, रिचर्ड ऑकराइट. डिमांड ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विद द कमिंग ऑफ हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, डिमांड ऑफ आउट ऑफ दिस डिमांड ऑफ विच गुड्स इंक्रीज. नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट मैं बोल रही हूँ कॉटन टेक्सटाइल, फिर मैं बोल रही हूँ सिल्क प्रोडक्ट्स, फिर मैं बोल रही हूँ रॉ कॉटन. इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो किसकी डिमांड बढ़ी? रॉ कॉटन. अर्लियर रॉ कॉटन सिर्फ कितनी जाती थी? 5%. कहाँ तक चली गई? 35. कॉटन टेक्सटाइल पहले कितनी थी? कॉटन टेक्सटाइल पहले थी 33%. नो इट केम डाउन 3 to 3%. अब मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट एन इंडियन पोर्ट, जो भी मैं बोलूंगी इसमें से कौन सा पोर्ट इंडियन नहीं है. नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट इज मैं कह रही हूँ जो इंडियन नहीं है, बॉम्बे, कैलकटा, ठीक है, मद्रास, सूरत. सॉरी मैंने क्या बोला, आउट ऑफ दिस विच इज इंडियन पोर्ट, अब ये बताओ. सूरत. अब मैं बोलूंगी विच इज नॉट इंडियन, which is not Indian port. Now listen, Surat, Masoli Patnam, Hugli, Bombay.
बॉम्बे, पहले मैं मुझे बोलना चाहिए था आउट ऑफ दिस विच इज एन इंडियन फूड, पहले ये था उसमें मैंने ऑप्शंस बोली थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सूरत. अब मैं कह रही हूँ विच इज नॉट एन इंडियन फूड, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास एंड सॉरी विच इज नॉट एन इंडियन फूड, सूरत, मसौलीपट्टनम, हुगली एंड कलकत्ता. अर्लियर द ग्रोस वैल्यू ऑफ सूरत पोर्ट बिफोर द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रोस वैल्यू ऑफ सूरत पोर्ट वाज डैश मिलियन रुपीज, 16 मिलियन रुपीज, बट विद द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इट रिड्यूस टू 3 मिलियन रुपीज. तो ये आपको सारे लर्न करने हैं. मर्चेंट्स के अंडर कितने वर्कर्स मर्चेंट्स के अंडर वर्क करते थे, हाउ मेनी वर्कर्स वर्क अंडर मर्चेंट्स एट ईच स्टेज, 25, एंड ओवरऑल कितने वर्क करते थे, नियर अबाउट 80 to 100, 80 से लेके 100 तक एम्प्लॉयज जो थे दे वर्क अंडर मर्चेंट्स, 80 to 100, डिपेंड करता था, कई बार उनके पास ईच स्टेज पे 20 वर्कर्स होते थे, कई बार 25 होते थे. तो हम ये आंसर देंगे 80 से लेके 100 तक उनके पास वर्कर्स होते थे. इज इट क्लियर? हु वर गोमास्तास, प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हु वर गोमास्तास, प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, गोमास्तास वर प्रीपेड सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यूरोपियन पावर्स कितनी इंडिया में आई फॉर ट्रेड, हाउ मेनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, 4 यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड. इसको पता है कैसे लर्न करना चाहिए, अगर आपको यही रॉन्ग दे के पूछा जाए कि इनको सीरियल ऑर्डर में करो, इन्हीं यूरोपियन पावर्स को पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये सारा पीडीएफ वर्ड लर्न कर लो. पीडीएफ बनाते हो ना, पीडीएफ लर्न करो, पहले पोर्चुगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच. तो इंग्लिश तो पता ही है लास्ट में आए, नहीं तो बच्चे डच और फ्रेंच में कंफ्यूज होते हैं. पीडीएफ वर्ड ही लर्न करके रख लो, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश. तो इसी को देख के कह दिया राइट एंड सीरियल ऑर्डर, तो फिर कैसे लिखोगे, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश. तो इसके बाद आ जाओ आप सिविक्स के चैप्टर पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में एथनिक वेरिएशन, डच, फ्रेंच, यू शुड नो द करेक्ट एथनिक वेरिएशन ऑफ दीज पीपल. कंट्री है तो डच कितने परसेंट, कंट्री 59 एंड फ्रेंच 40, जर्मन 1%. अब आपको मैं पूछ रही हूँ कि कैपिटल सिटी में, कैपिटल नेम ऑफ द कैपिटल सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, वहां पे क्या था, 80% फ्रेंच एंड 20% तमिल, कितने परसेंट थे सॉरी श्रीलंका में, 18, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना, श्रीलंका की बात कर रही हूँ, 13 + 5, 13 कौन थे श्रीलंकन, 5 कौन थे, चलो पहले हम बेल्जियम को कंप्लीट करते हैं, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स. एंड फिर आप बताओ डच लिव इन विच रीजन, फ्लेमिश और वेलोनिया, डच इन फ्लेमिश. कैसे लर्न कराया था मैंने, एफ के साथ एफ नहीं आना, इट मींस फिर आप फ्रेंच को फ्लेमिश में भेजोगे, तो एफ के साथ तो एफ आना ही नहीं है, तो इट मींस डच लिव्ड इन फ्लेमिश एंड फ्रेंच लिव्ड इन वेलोनिया. अब ये आ गया फ्रेंच वेलोनिया में, आपको चार ऑप्शंस गलत देके पूछा होएगा तो आप फिर कैसे बताओगे, या फिर नेबरिंग कंट्रीज, एक बीच में गलत दे देनी है, नेबरिंग कंट्री ऑफ बेल्जियम. तो अगर आपको कंट्रीज नेबरिंग पता होगी देन यू कैन सिलेक्ट द रॉन्ग वन, इसमें से कौन सी रॉन्ग है. फिर आपको कॉन्टिनेंट गलत दे के पूछा जाना है, बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री ऑफ डैश कॉन्टिनेंट, अगर आपको पता ही है यूरोप की है तो आप लिख दोगे, नहीं पता देन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं एशिया की है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की है, पता ही नहीं कहाँ की है, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. लर्न, ऐसे लर्न करो, 4 नेबरिंग कंट्रीज लर्न करो, कॉन्टिनेंट यू नो इट वेरी वेल कि यूरोप का था ये, बेल्जियम वाज स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, तो इस वजह से आप इनको लर्न करो, ठीक है. एथनिक वेरिएशन लर्न करो, फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईयर लर्न करो, ईयर कौन से हैं, 1972 1993. तो उसमें उन्होंने क्या किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू ऑल ना, मे बी डच मे बी फ्रेंच, ऐसे ही किया ना,
इन कैपिटल सिटी एंड इन कंट्री, ऐसे ही किया। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, एक गवर्नमेंट सेटअप की थी, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट वॉज बेस्ड ऑन लैंग्वेज। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम एंड इट वॉज बेस्ड ऑन डैश लैंग्वेज। अगर मैं पूछूं, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कोलिजन गवर्नमेंट। वेरी गुड, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल, वेरी इंटेलिजेंट नव्या, तुम्हारे पूरे नंबर आने चाहिए, वेरी इंटेलिजेंट। तो पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल, लिसन अगेन, अगर मैं आपको पूछूं कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल एंड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सोशल ग्रुप, टेल मी। वर्टिकल, बिकॉज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स व्हाइल फॉर्मिंग गवर्नमेंट, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कोलिशन गवर्नमेंट, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब मैं आपसे पूछूं, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, बताओ। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल, या फिर मैं बोल दूं देयर इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, हॉरिजॉन्टल, पता चलेगा ना, हॉरिजॉन्टल, अगर आपने पढ़े हुए हैं देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कांट डू। फिर मैं आपसे पूछूं, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम दैट वॉज बेस्ड ऑन, अब मैं आपसे पूछूं उनके रिलीजन बेस्ड थी के ये वाली लैंग्वेज बेस्ड थी, लैंग्वेज बेस्ड, तो इस वजह से आपने इस लेसन को, एंड हेडक्वार्टर ऑफ आप कहोगे यूरोपियन यूनियन वॉज सेटअप इन, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में सेटअप हुआ था हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। विच पाथ वॉज फॉलोड बाय बेल्जियन लीडर्स, अकोमोडेशन पाथ। अब मैं आपसे पूछूं, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन, एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ? 1956। सिविल वार बाद में हुई, यू नो इट वेरी वेल, दो ईयर इज नॉट गिवन, सिविल वार बाद में हुई। अब आप मुझे बताओ कि तमिल डिमांडेड दैट विद सिन्हाला तमिल शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक्ट के बाद बात हुई। अब इसी चीज को मैं आपको कहती हूँ राइट एंड सीक्वेंस, सीरियल ऑर्डर, ध्यान से सुनना। तमिल डिमांडेड ईलम, ठीक है, फिर मैं कह रही हूं कि एक्ट वॉज पास्ड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड फॉलोड मेजोरिटीनिज्म, फिर मैं कह रही हूं कि देयर वॉज सिविल वॉर, ठीक, फिर मैं कह रही हूं श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। अब करो इसे सीरियल ऑर्डर में, फर्स्ट नंबर श्रीलंका गॉट फ्रीडम, सेकेंड एक्ट, फिर ईलम मंगा, सिविल वार हुई, फिर इलम तो जाके मांगा, बहुत देर बाद ही उन्होंने मांगा इलम, तो जब उनके झगड़े झुगड़े हो गए तो तब उन्होंने कहा था हमें इलम चाहिए। इलम मींस के लैंग्वेज में इक्वल राइट्स दो, कि उन्हें उनकी वोटिंग राइट दो, कि उनको सेपरेट स्टेट दो, सेपरेट स्टेट किसके लिए मांगी गई? सेपरेट स्टेट फॉर तमिल। क्रिश्चियंस जो थे देवर डैश परसेंट इन श्रीलंका, मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका इस्लाम, हिंदू के बुद्धिज्म, बुद्धिज्म मेन रिलीजन, किसका रिलीजन था? सिन्हाला, लैंग्वेज मेन सिन्हाला, तो इस वजह से यही अगर आपको आते हैं तो यही आपके सीक्वेंस ऑर्डर में आएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948, इक्वल राइट्स वर गिवन टू तमिल्स एंड सिन्हाला, बताओ assertion रीजन में बताओ, assertion is true, गलत, कहता ए, बी भी नहीं है, मैंने बोला equal rights were given to Sinhalas and Tamils, assertion is true, reason is, पहचानो please। अब मैं कह रही हूँ listen carefully, Belgium is a small country of Asia and headquarter of European Union was set up at Brussels, assertion is false, reason is true। जब लेसन पढ़े होंगे ना एक मिनट में पहचानना आएगा, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाओगे। मैच इसी में से अगर मैं बनाऊं तो मैं कहूं जैसे फ्लेमिश, वेलोनिया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक, और साथ में मैं बोलूं जैसे, चलो आप इन्हीं को करो पहले, मैंने बोला फ्लेमिश,
वेलोनिया, यूरोपियन यूनियन। अब उधर मैं ऑप्शंस बोल रही हूँ, आप मुझे ऐसे बताओ, बिना ऑप्शंस बताओ, फ्लेमिश को किसके साथ मैच करेंगे? डच। फ्लेमिश विद, वेलोनिया विद, फ्रेंच, ब्रुसेल्स, सॉरी हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स। तो इस वे से मैच, ठीक है, अगर लेसन बढ़िया नो प्रॉब्लम यू विल फेस। अब आप मुझे बताओ, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी, फेडरल, डिक्टेटरियल, मोनार्की। फेडरल। आप बताओ, मैं आपको रॉन्ग कंट्रीज बोलूंगी, एक मैं फेडरल बोलूंगी, यू हैव टू टेल विच इज करेक्ट, बाकी सारी रॉन्ग बोलूंगी, एक फेडरल बोलूंगी, ठीक है। यूके, फ्रांस, श्रीलंका, स्पेन। स्पेन, स्पेन इज अ फेडरल कंट्री। अब मैं कमिंग टुगेदर बोलूंगी सारी कंट्रीज, बीच में एक होल्डिंग की बोलूंगी, यू विल टेल, जैसे आउट ऑफ दिस विच ऑफ द कंट्री हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब मैं बोलूंगी, आप ध्यान से सुनो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। बेल्जियम में कैसी फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर। अगर इंडिया पूछू तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर मैं पूछ रही हूँ तो आप मुझे बताना इनमें से किस में यूनिटरी है, बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, यूके? यूके में यूनिटरी है। फिर अगर मैं पूछूं कि सिटीजन्स एंजॉय सिंगल सिटीजनशिप, वो यूनिटरी होगी कि फेडरल? अब इसी को मैं assertion reason में चेंज करूं, जैसे मैं बोलूं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड इन इंडिया, अगर मैं बोलूं ऐसे, ध्यान से सुनो, एंड इन इंडिया जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, विच इज ट्रू विच इज फॉल्स? assertion is true, reason is false. समझ आ रही है? ये ऐसे आएंगे, अगर मैं इसी को ऐसे बोल दूं, listen carefully, in UK there is unitary form of government, and फिर मैं B option में बोलूं, central government is more powerful. A, both are true. Reason is the correct explanation of assertion. तो अब आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें problem आएगी। अब आपके आगे subjects. How many subjects are there in union list? 97. How many subjects are there in state list? 66. How many subjects are there in concurrent list? 47. कितना easy है learn करना, हमेशा मैं से करवाती होती थी learn. 97 हमेशा union government top पे रहती है, पता है ना? फिर state government 66. फिर concurrent list में आप क्या बताओगे? 47. इसी को 4 बना के 47 कर दो, आपको अपने आप इजी रहेगा। इसी को 9 को ही 4 बनाना है, 97, 66, 47, ये चीज लर्न रखो। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स? स्टेट, कॉन्करेंट, हु एंजॉय रेजिडेंट पावर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, के सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेजिडेंट पावर्स आर एंजॉयड ओनली बाय, if clashes occur while making laws in concurrent list, then law made by center, state, local government prevails. Central government prevails. It increases the participation of women in the functioning of government. Central government, state government, local government. Local, इसी को मैं ऐसे पूछूं, local government increases the participation of dash in the functioning of government. Women. लोकल गवर्नमेंट ने नो डाउट एससी एसटी की भी कंडीशन इंप्रूव हुई है विद द कमिंग ऑफ क्लीजन, बट एससी एसटी की सीट्स तो सेंटर में भी फिक्स है तो स्टेट में भी है, बट लोकल गवर्नमेंट ने तो वुमेन की ही पार्टिसिपेशन बढ़ा दी। कहां 5%, कहां 10%, स्टेट दे रहा है 5%, सेंटर दे रहा है 10%, वेयर एज लोकल गवर्नमेंट इज गिविंग 33%। तो लोकल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो ये अगर आते होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है ना। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 22। अब आपने ना एक लिंग्विस्टिक स्टेट सिलेक्ट करनी है, ठीक है, आप लिंग्विस्टिक ढूंढना मैं कौन सी बोलती हूँ, लिसन केयरफुली, मैं लिंग्विस्टिक कह रही हूँ, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड, गुजरात। गुजरात इज अ लिंग्विस्टिक स्टेट।
अब मैं कह रही हूँ कल्चर बेस्ड स्टेट ढूंढो, अब मैं कह रही हूँ पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, ये कल्चर बेस्ड होगी बिकॉज यू हैव डन थ्री स्टेट्स कल्चर बेस्ड। वो कौन सी है? झारखंड, उत्तराखंड एंड नागालैंड। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी? कितनी?